वेलकम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शांत एंड सटल होने वाला है। आज हम इस वीडियो पे फैशन टिप्स, ट्रिक्स या मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि है पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड योर नेचर टूवर्ड्स अदर पीपल। तो मैं पुलक दे आप सभी का स्वागत करता हूँ बी देसी ब्रो के इस मंथ के सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी ब्रेकडाउन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी थे एंड हम उनको सिर्फ एक्टिंग के तौर पे नहीं बल्कि उनका पॉजिटिव नेचर, उनका वास्ट नॉलेज एंड उनका काइंड बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा हम सबको पसंद है। तो एंड उन्होंने जीते जी हमको बहुत कुछ सिखाया, बट उनके जाने के बाद भी बहुत सारे जनों को पता चला कि वो कितने वेल रेड मैन थे, कितने लर्न्ड मैन थे एंड उनके कुछ ऐसे कोर क्वालिटीज़ हैं जो हम सबको एक प्रॉपर जेंटलमैन बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रॉपर क्वालिटी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आप अपने लाइफ में एटलीस्ट वंस आप उन्हें अपना हैबिट बनाने का ट्राई करो। इन 5 पॉइंट्स में से मैं आपको बोलूंगा कि आप सबके सब ट्राई करो, बट स्टार्ट विथ 1, ट्राई टू मेक इट अ हैबिट, बिकॉज ये पॉइंट्स आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एटीट्यूड, पॉजिटिव नेचर एंड बिहेवियर, तो लेट्स स्टार्ट विथ हिज वेरी काइंड बिहेवियर। सुशांत सिंह राजपूत किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं देखते थे, उनके लिए सब एक समान होते थे एंड आप बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो जब उन्होंने एक बलून वाली आंटी के साथ फोटो खिंचवाया था। That is a very good example. तो यही क्वालिटी हमें अपने अंदर भी रखना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप किससे कब मिल रहे हो एंड ये क्वालिटी अगर रहेगा तो आई गेस आपको एक प्रॉपर जेंटलमैन बना सकता है। सी, मैं आपको एक छोटा सा लाइन बोलूँगा, जो आपसे स्टेटस में ऊपर रहता है उसको आप डर के मारे रिस्पेक्ट देते हो, बट जो आपसे स्टेटस में नीचे रहता है वो आपके लिए चॉइस है कि आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हो या नहीं। तो आई वॉन्ट you to make the proper choice. So now the second best quality trait of Sushant Singh Rajput is his vast knowledge. Unko knowledge ki bahut bhook thi. Aap unko kabhi bhi koi bhi interview mein dekho, wo hamesha kehte the the more you read the quicker you understand. Ye ek simple sa line hai but bahut deep hai and knowledge ki koi limit nahi hoti. तो आप बुक्स पढ़ना चालू करो। आप कोई भी बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स या सीईओस को देखो, वो लोग नॉर्मल टाइम पास करते हैं बट उसके साथ साथ वो बुक्स भी पढ़ते हैं। तो आई नो बुक्स पढ़ना मतलब सबको नहीं अच्छा लगता बिकॉज थोड़ा बोरिंग हैबिट है, बट ये हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंकली बोलूँ तो मैं पर्सनली बुक नहीं पढ़ता था पहले, मेरा फर्स्ट बुक भगवद गीता है एंड वो पढ़ने के बाद मेरे को बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर मेरे को फील हो रहा है। तो मैंने अपना फर्स्ट बुक भगवद गीता को चूज़ किया। आप भी वैसे कोई भी एक अच्छा बुक चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको फ़ायदा हो। एंड अगर आपको बुक पढ़ना नहीं अच्छा लगता तो आप एक ट्राई कर सकते हो, आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, उससे भी आपका नॉलेज बढ़ेगा बिकॉज नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती एंड जितना आप पढ़ोगे उतना कम है। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा बुक पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती आएगी एंड सेम ये क्वालिटी हमारे लेजेंड में थी। वो भी बहुत क्यूरियस रहते थे, उनको हमेशा ज़्यादा पढ़ने का इच्छा रहता था। आप उनके कोई भी इंटरव्यूज़ को देखो, वो हमेशा सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं बताते थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बड़े बड़े फिलोसॉफिकल चीज़ें, ये सब टॉपिक्स को भी डिस्कस करते थे। एंड उन्होंने जीते जी तो हमको एक्टिंग में बहुत एंटरटेन किया है, बट जाने के बाद उन्होंने हमको बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया कि ऑलवेज हैव अ लर्निंग नेचर एंड ऑलवेज बी क्यूरियस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सिर्फ आपको ही फायदा नहीं देगा बल्कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप दूसरे के भी इंस्पिरेशन बन सकते हो, एंड दैट इज गिविंग योर 100%। सुशांत सिंह राजपूत अपने हर प्रोजेक्ट में अपना पूरा जान लगा देते थे, पूरा 100% देते थे एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज MS धोनी, बिकॉज MS धोनी मूवी के बाद आई डोंट थिंक सो कि वो कैरेक्टर कोई और उनसे बेहतर प्ले कर सकता था। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि हम सबको अपने अंदर रखना ही चाहिए एनी हाउ। कोई भी चीज़, नो मैटर आप उसमें पास हो या फेल हो, अगर आप उसमें अपना 100% दे सकते हो एंड अगर आप उसमें भले ही फेल हो जाओ, बट माइंड यू कि आपको देख के कोई दूसरा इंस्पायर होगा एंड अगर आपने किसी और को इंस्पायर किया तो उससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं है। एंड यही चीज़
सुशांत सिंह राजपूत ने हमारे लाइफ में किया है। उन्होंने अपना 100% दिया एंड उन्होंने हमको ये सिखाया कि कोई भी चीज़ में अपना फुल पोटेंशियल डालो। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हम्बलनेस। आप किसी के भी साथ मिल रहे हो तो उससे एक हम्बल तरीके से पेश आओ। ऑलवेज स्माइल, ट्राई टू मेक देम कम्फर्टेबल। आप उनसे मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ऐसे नहीं कि मतलब एकदम सिर्फ अपने अपने बारे में बात करो। मेक देम कम्फर्टेबल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि शाहरुख खान में भी है। हम्बलनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैशन एलिमेंट दैट यू कैन कैरी, एंड ये वो बहुत ही ब्यूटीफुली कैरी करते थे। एंड हम्बल नेचर रखना सुनने में बहुत ईजी लगता है, बट ट्राई करने में एंड इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आप आज से ही मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्ट विथ वन, तो ये हम्बल नेचर से स्टार्ट करो। बिकॉज अगर आपका नेचर अच्छा रहेगा तो आप ये सब चीज़ें इजीली अचीव कर सकते हो। सो गाइस, ये थे 5 ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो में आप सबका विदा लेता हूँ एंड आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड अगर आपको इसमें कुछ सीखने मिला, देन प्लीज़ हिट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टीम विदेशी ब्रो, विल सी नेक्स्ट वीडियो।